Okay, so Divya, let's proceed ahead with your HR for ONGC, and this is the post for finance executive. You are a chartered accountant, so let's go for it for ONGC. Please introduce yourself. Good morning, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity. As you know, my name is Divya. I'm a qualified chartered accountant, cleared my CA final in February 2022. After that, I am preparing for PSUs. And I was born in Gwalior, from where I have completed my study and articleship. If talk about my articleship, so I have completed my articleship from a small firm in Gwalior, where I have worked on various fields, direct indirect taxation, auditing, that was fixed asset audit and stock audit, which was basically a physical monthly verification, and TDS, ITR, etc. And so I'm interested in yoga and meditation, so I pursue them as my hobby, and my other interest includes reading books and playing badminton. I am also interested in learning new things, which energizes me and keeps me motivated. This was all brief about. Thank you. Okay, so Divya, when did you complete your articleship? Sir, articleship 2000. 2000 when? When did you complete it? Have completed my articleship 2020. 2020 में. Okay, how long was it? सर इट वॉज 3 years लॉन्ग. 3 years का आर्टिकलशिप आपने कर लिया कंप्लीट. सो उसमें आप स्पेशलिस्ट किस में, क्योंकि आपने बहुत सी डोमेन्स बता दी उसमें जिसमें आपने सीखा है. सर थोड़ा सा मैंने जीएसटी में थोड़ा ज्यादा काम किया काम है, किया है आपने. और तो टीडीएस में भी जीएसटी, किया. जीएसटी में आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो झगड़ा पड़ा रहता है, व्हाट इज द आई मीन रीजन फॉर दैट? डू यू रियली थिंक जीएसटी रेजिम हैज हेल्प्ड स्टेट गवर्नमेंट्स? सर बेसिकली तो इश्यू इसलिए आता है क्योंकि जो पुराने टैक्सेस जो थे, वैट वगैरह जो भी लगते थे, तो उसपे जो स्टेट को जो टैक्स मिलता था वो काफी सारे स्टेजेस पे मिलता था, तो जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू ज्यादा होता था. और जीएसटी आने की वजह से एक ही टैक्स है जो कि डेस्टिनेशन बेस्ड है, तो कि जिससे कि ना जो मल्टीपल लेवल पे जो लगता था वो टैक्स हट गया है, और डिफरेंट डिफरेंट टैक्स नहीं लगते, केवल एक ही टैक्स लगता है, जिसकी वजह से स्टेट का रेवेन्यू जो है कम हुआ है. इस वजह से स्टेट को थोड़ा सा इश्यू रहता है इसमें. नो, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. डू यू रियली थिंक कि स्टेट्स का रेवेन्यू कम हुआ है जीएसटी रेजिम के बाद? दैट इज माय क्वेश्चन. सर ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा किसी किसी कुछ कुछ कॉमोडिटीज पे होता है, उस वजह से स्टेट को थोड़ा इश्यू रहता है. जैसे कि अगर हम पेट्रोल और डीजल की देखा जाए तो उसको भी लाने की बात हो रही है जीएसटी में, लेकिन वो यही है कि उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, इसलिए वो स्टेट एग्री नहीं करते. लेकिन अभी काउंसिल मीटिंग हुई थी जहाँ पर डिसाइड किया है कि मे बी इन फ्यूचर उसको जीएसटी में लाया जाए. अच्छा, आप जीएसटी काउंसिल के बारे में कुछ जानती हैं? मीन सर जीएसटी काउंसिल एक बॉडी है, उसके बारे में कुछ जानती हैं आप? क्या सर उसका जो मीटिंग्स में कुछ हेड होते हैं, मीन्स आप क्या पूछना चाह रहे हैं सर, मैं ये पूछना मैं चाह रहा थोड़ा हूँ कि क्लियर. जीएसटी काउंसिल एक बॉडी है दिव्या, जो कुछ लोगों से बनी हुई है. उस काउंसिल के हेड भी हैं, आप जानते हैं उनको? यस सर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसके हेड होते हैं. ओके, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट. नो सर, अच्छा, जीएसटी इंप्लीमेंट कब हुआ था इंडिया में? 1 जुलाई 2017 को. जीएसटी बोलते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इट वॉज अ गोल्डन एरा. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? यस सर, वाई? टोटली एग्री, बिकॉज इसके बाद जब नया टैक्स आया था तो काफी कुछ लोगों को नहीं पता था उसके बारे में, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, कैसे जो टैक्स है उसको कैसे एप्लीकेबल करना, आप कैसे प्रेजेंटली क्या एप्लीकेबल. कर रही हैं दिव्या? आप प्रेजेंटली व्हाट आर यू डूइंग? सर पीएसयूज के लिए प्रिपरेशन करनी. तो आप तो अच्छा डोमेन में काम कर रही हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकती हैं, आप अपना काम भी कर सकती हैं किसी फर्म के साथ. तो आप एक पब्लिक सेक्टर का पार्ट क्यों बनना चाह रही हैं? सर देर आर वेरियस रीजन बिकॉज ऑफ विच आई वॉन्ट टू ज्वाइन पीएसयू सर, क्योंकि यहाँ पर वेल इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अ कोर कंपनी लाइक ONGC. सर यहाँ पर टाइम और स्पेस काफी मिलता है ग्रो करने के लिए, साथ ही साथ काफी एक्सपीरियंस लोगों के साथ हमें काम करने का मौका मिलता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है. और सर जो पीएसयू जो होती हैं वो काफी कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं कंट्री की ग्रोथ में. तो आई थिंक एज अ फाइनेंस प्रोफेशन दिस इज द बेस्ट वे टू सर्विंग द नेशन एज वेल.
और सर ट्रांसपेरेंसी रहती है पेमेंट प्रमोशंस वगैरह में, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहती है सर जो एट द एंड सबको चाहिए होती है, एंड ऑल्सो सर सोशली प्रेस्टीजियस जॉब. दीज आर द रीजन बिकॉज ऑफ विच आई वॉन्ट टू ज्वाइन. अच्छा, तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ONGC या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब व्हाट डू यू ब्रिंग ऑन टेबल व्हेन यू ज्वाइन अस? सर वैसे तो सभी कंपनी जो होती है उसमें काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक डायरेक्ट टैक्सेशन का, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ऑडिट वगैरह. बट अगर बेसिकली देखा जाए तो जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना, प्रॉफिटेबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो वेज बताना, या फिर कॉस्ट कटिंग किस किस तरीके से हो सकती है वो सब देखना, रिपोर्टिंग वगैरह प्रॉपर हो रही है, फाइनेंशियल जो भी रेगुलेशंस वगैरह है सब फॉलो हो रहे हैं, यानी ये सब. अच्छा, आप ONGC के बारे में कुछ जानती हैं दिव्या? यस सर. सर ONGC जो है इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी है इंडिया की, वन ऑफ द महारत्न PSU है. और सर हमारे जो इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसमें 71% जो है ONGC कंट्रीब्यूट करती है. और सर और ओके, दैट्स कैन ऑल यू टेल मी द नेम ऑफ चेयरमैन ऑफ ONGC? सर. यस सर. सर अरुण, मिस्टर अरुण कुमार जी व्हाट इज हिज बैकग्राउंड? सर, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग ओवर ओवर 36 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस ऑयल एंड गैस फील्ड, एंड अर्लियर ही वॉज इन BPCL विच इज ऑल्सो महारत्न का. ओके, सो दिव्या, ये और भी हमारे ऑयल कंपनीज हैं जैसे HPCL है, IOCL है, और भी कंपनीज है. हाउ डू यू थिंक ONGC इज डिफरेंट फ्रॉम दिस? सर सबसे पहले तो ONGC इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट PSU एंड द लार्जेस्ट इन एनर्जी सेक्टर. और सर ऑयल और गैस की जो डिमांड होती है वो काफ़ी फ्यूचर में भी काफ़ी प्रिडिक्ट की गई है कि काफ़ी इंक्रीज होने वाली है. और सर ये जो है एनर्जी जो होती है वो बेसिकली इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्री किसी भी कंट्री की इम्पोर्टेंट होती है. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट. ओके ओके दिव्या, सो आई विल गिव यू द फीडबैक ऑफ दिस पार्ट फर्स्ट. दिव्या, एक आपने आर्टिकलशिप में जो किया है ना, उसको किसी जगह पे लिख लें आप कि आर्टिकलशिप में मैंने ये चीज किया है, क्योंकि जब आप बता रही थी आर्टिकलशिप में क्या किया है, तो वो फ्लो बहुत अच्छा मेंटेन नहीं हो रहा था. ऐसा लग रहा था कि आप याद कर रही हैं कि अच्छा और मैंने क्या किया क्या किया, तो इट शुड फ्लो एक्चुअली, एंड मे बी यू कैन टेक दैट एंटायर थिंग इन टू पर्टिकुलर डायरेक्शन. आई हैव सीन दैट इन पास देयर वाज लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम GST. GST रेजिम कब लगा, GST रेजिम की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके बारे में डिटेल्स उन्होंने पूछा है. तो GST अगर आप फोकस कर रही हैं, तो उसमें डिटेल में थोड़ा सा उसको गो थ्रू करके जाना. करंट से रिलेटेड टॉपिक भी है ये, तो करंट से रिलेटेड इश्यूज भी GST के जो हैं वो पूछे जाते हैं. जैसे गूगल के ऊपर आप GST डालेंगे और न्यूज को सर्च करेंगे, तो GST से रिलेटेड जो न्यूज है वो आ जाएंगी दिव्या. वो आपने कॉपी पे लिखनी है, और जब आप तैयारी करें इंटरव्यू की, तो लिख के करें. What I mean by doing saying that is like when you write something, it goes to your brain also, and at the same time, you know, preparation method becomes good. Confidence level कम है. अभी मैंने hobbies, अब बाकी उस चीज से आपसे question पूछने हैं, next HR में हम करेंगे. Confidence level कम है. ONGC के बारे में थोड़ा सा detail में go through कर लें. ONGC के एक document है, I think you have that document, so उस document को go through कर लें, और उसकी website थोड़ा सा visit करें. As chartered accountant, what did you see in our website? When you saw the website, what did you observe as chartered accountant? So, what do you, have you seen our statements, financial statements or account statements? Have you seen of ONGC profits and all? Have you done that kind of analysis? Did you watch some of the videos related to ONGC which were released related to the financial growth? ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो पास्ट में पूछे गए हैं दिव्या. मैं अपनी मेमोरी बेस पे आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो बच्चों से पूछे गए थे पब्लिक सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कि आप ये है. फिर आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? अपना प्रैक्टिस करो, घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपको कमर्शियल एरिया लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने क्लाइंट्स बना सकते हैं और आप वहां पे काम कर सकते हैं. तो व्हाई यू नीड टू गो फॉर दिस? तो ये क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए हैं दिव्या सारे.
कॉन्फिडेंस हाई करना है आपको, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्फिडेंस, कामनेस एंड ट्रूथफुलनेस, तो ये तीन चीज को फोकस करना है। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेटर कर रहा है, प्रैक्टिस करो जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। डरना नहीं है क्वेश्चन से, क्वेश्चन के आंसर देने से मार्क्स नहीं मिलते, कॉन्फिडेंटली आंसर देने से मार्क्स मिलते हैं, राइट? ओके दिव्या।